उसके बाद जाएंगे हम कहा थोरेसिक कैविटी के ऊपर। थोरेसिक कैविटी में ये क्या है, इसके साथ क्या कनेक्ट है, दोनों साइड रिब्स क्या डायरेक्ट कनेक्ट है, कॉस्टल कार्टिलेज। हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर ज्वाइंट कौन सा हुआ, ठीक है, एक तो आपका कॉस्टल कार्टिलेज और एक स्टर्नो लेटरल जॉइंट। अब हम क्या करेंगे कि इधर से ऐसे कट मारेंगे, कॉस्टल कार्टिलेज काट दो, कटर आता है ठीक है, उससे हम इस तरह से इसको काट ले जाएंगे, इधर से काट दिया और इधर से यहां तक लाकर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक उस जॉइंट को हटा, ऐसे पकड़ेंगे इसको स्टर्नम को ठीक लें, ऐसे पकड़ के ऐसे उठा देंगे, ये जॉइंट अलग हो जाएगा, स्टर्नम अलग हो जाएगा ठीक। उसके बाद हम किस में घुस गए, रिब्स को ऐसे थोड़ा खोलेंगे, अपने आप खुल जाएगी, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर खुल जाएगी। उसके बाद हम इसमें से लंग को कोई सा भी लंग ले लीजिए, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, पहले एक को निकालिए फिर दूसरे को निकालिए, उसको एंटीरियर साइड से कट करके आप देखेंगे कि उसके अंदर कोई ब्लड वगैरह इकट्ठा तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं कि अगर इमीडिएट डेथ हुई है तो ब्लड जो है वो जो पल्मोनरी वेंस के जरिए वहां जाएगा वहीं पर रुक जाता है ठीक है ना। तो उसको हम एग्जामिन करेंगे एंटीरियर बॉर्डर से काट के दोनों के दोनों का एग्जामिन करेंगे इस तरह से ओके। उसके बाद कौन सी स्ट्रक्चर रह जाती है इसमें, हार्ट रह जाता है, हार्ट।